विनिंग और लूजिंग किस तरीके से टीम्स को डिफाइन करती है ये हमने एशिया कप के अंदर देखा। इंडिया हैज़ इवेंचुअली वॉन द एशिया कप और 8वीं दफ़ा इंडिया ने एशिया कप जीता। श्रीलंका को एक वन साइडेड एक जोक ऑफ अ क्रिकेट मैच के अंदर उन्होंने हराया और 50 रन पे श्रीलंका को आउट करके और 10 विकेटों से वो मैच जीता। मेरे ख्याल में इससे बड़ा इतने बड़े इवेंट के फाइनल में किसी टीम ने इतने बड़े मार्जिन से जीत नहीं हासिल की होगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया। लेकिन जिस तरह मैंने स्टार्ट किया कि जीत और हार किस तरीके से टीमों को डिफाइन करती है, जब एशिया कप शुरू हुआ तो हम सबको याद है कि पाकिस्तान की टीम जो थी वो एक वेल सेटल्ड एक बैलेंस और एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रही थी और एक्चुअली फेवरेट थी एशिया कप जीतने के लिए। ऑन द अदर साइड इंडिया की बैटिंग जो थी वो बड़ी अनश्योर थी, उनको इंजरीज कंसर्न्स थे, उनकी बॉलिंग के उनको कंसर्न्स थे, बुमराह वापस आए थे, इसके अलावा राहुल अनफिट थे, अय्यर जो हैं वो दरमियान में अनफिट हो गए, ईशान किशन को मिडिल ऑर्डर के अंदर लेके आया गया। सो इंडिया वॉज वेरी अनसेटल्ड। बट एट द सेम टाइम जब पाकिस्तान इंडिया का पहला मैच खेला गया और जिस तरीके से पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने ऊपर के चार आउट किए और पाकिस्तान के पेसर्स को ये कहा गया कि ये दुनिया का बेहतरीन फास्ट बॉलिंग अटैक है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, इवन ऑस्ट्रेलिया के कब इस वक्त जो कप्तान है जो साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज हो रही है मिच मार्श, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि वो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का फाइनल देख रहे हैं वर्ल्ड कप में। सो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हाईली रेट किया जा रहा था और पाकिस्तान बड़ी ही स्ट्रॉन्ग एक बैटिंग लाइन नज़र आ रही थी। इवन बैटिंग के अंदर भी पहला मैच पाकिस्तान और इंडिया का होता है एशिया कप का, पाकिस्तान जो कि पूरा नहीं होता बारिश की वजह से, सिर्फ इंडिया बैटिंग कर सकता है, इंडिया 266 पे ऑल आउट हो जाता है और इंडिया के जिस तरीके से टॉप फोर बैट्समैन जो उनका पावर हाउस है बैटिंग का उसको जिस तरीके से पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स आउट करते हैं, इंडिया की बैटिंग के ऊपर एक दफ़ा फिर से क्वेश्चन मार्क आता है, पाकिस्तान की बॉलिंग को फिर से एक दफ़ा प्रेज मिलता है और पाकिस्तान इसी तरीके से इसी टूर्नामेंट में आगे बढ़ता है। मैं आप लोगों के लिए कॉन्टेंट बनाता हूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करें, उनसे भी कहें कि सब्सक्राइब करें, अगर आपको मेरा कॉन्टेंट पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और इससे मुझे इनकरेजमेंट मिलती है। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये सब्सक्राइब का बटन जो आप नीचे देख रहे हैं ज़रा इसको, जो भी ये मेरा वीडियो देख रहा है वो उसको दबाता जाए ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ें और इससे मुझे बड़ी इनकरेजमेंट मिलती है। अगले राउंड में चलते हैं सुपर फोर के अंदर। पहले राउंड ख़त्म होने के बाद एशिया कप के पाकिस्तान इंडिया का दोबारा मैच होता है और उसके अंदर इंडिया पाकिस्तान को एब्सोल्युटली बीट पाकिस्तान इन अ वेरी वेरी डोमिनेटिंग वे और 366 इंडिया का हाईएस्ट स्कोर पाकिस्तान के अगेंस्ट 356 इंडिया ने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया। पाकिस्तान के तीनों फास्ट बॉलर्स जो हैं उनको जिस तरीके से इंडिया ने खेला और जो सबसे अच्छी चीज़ थी उसके अंदर वो ये था कि विराट कोहली और राहुल जो वापस आ रहे थे इंजरी के बाद अपना पहला मैच खेल रहे थे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ले ऑफ, उन्होंने भी सेंचुरी स्कोर की। पहले मैच के अंदर जब इंडिया के चार आउट हुए कुछ ही रन के ऊपर तो वहाँ पर मिडिल ऑर्डर में ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने 80 ऑड ईच करके इंडिया को स्टेबिलिटी दी थी और 266 तक स्कोर को लेके गए थे। सो अगर आप ये चीज़ देखें तो इंडिया के तमाम बैट्समैनों ने इस एशिया कप के अंदर फॉर्म हासिल की, इंडिया को एक कॉम्बिनेशन मिल गया और एट द सेम टाइम बॉलिंग के अंदर बुमराह के वापस आने से इंडिया को फास्ट बॉलिंग जो उनकी बॉलिंग है उसको बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा पहुँचा। इंडिया के ही दूसरे मैच में जब पाकिस्तान ने सुपर फोर में इंडिया के साथ खेला तो नसीम शाह और हारिस राउफ उसी मैच में अनफिट हो गए और उसकी जगह पाकिस्तान को अगले मैच के अंदर श्रीलंका के साथ जो खेलना था उसमें कुछ फोर्स चेंजेस करनी पड़ी, पाकिस्तान को इन्फोर्समेंट बुलानी पड़ी पाकिस्तान से जिसमें शाहनवाज धानी और जमान खान को बुलाया गया लेकिन जमान खान ने यह मैच खेला और पाकिस्तान आखिरी बॉल पे वो मैच श्रीलंका से हार के फाइनल से बाहर हो गया। अब पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है जब उनके फास्ट बॉलर नसीम शाह और हारिस राउफ अनफिट हुए तो पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ एक्सपोज हुई, पाकिस्तान के पास बैकअप में कोई नहीं था। फ़खर जमान बहुत ही गंदी फॉर्म के अंदर है, असद शफीक को मैच खिलाया गया श्रीलंका के अगेंस्ट क्योंकि इमाम जो हैं वो अनफिट हो गए। फ़खर जमान ने एक दफ़ा फिर मैच खेला, इवन दो फ़खर की कंटिन्यूस बैड परफॉर्मेंसेस चल रही थी लेकिन फ़खर अगेन श्रीलंका के अगेंस्ट भी रन स्कोर नहीं कर सके। अब्दुल्ला शफीक ने वहाँ पे चांस को अवेल किया और एक शानदार 50 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने एक रिस्पेक्टेबल टोटल बोर्ड पर लगाया 250 आउट का लेकिन अगेन श्रीलंका ने उसको लास्ट बॉल पर चेज करके पाकिस्तान को नॉकआउट किया एशिया कप से और ख़ुद फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर सीरियस कंसर्न्स हुए, बाबर आजम से भी इतने खास रन्स नहीं हुए इसके अंदर, इमाम जो रन्स कर रहे थे वो बीमार हुए, उनको फीवर हुआ, साउथ शकील एक्सपेक्टेड था कि वो खेलेंगे लेकिन उनको भी जो है वो फीवर हुआ और वो ये मैच नहीं खेल सके। तो पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है वो बहुत ज़्यादा अनसेटल्ड नज़र आई। पाकिस्तान ने आगा सलमान को ड्रॉप किया इस मैच के अंदर, पाकिस्तान ने
नवाज को वापस लेके आए, इफ्तखार ने अपनी पोजीशन पे मैच खेला और एट द सेम टाइम पाकिस्तान के पास और ऑप्शन नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के जो वाइस कप्तान हैं शादाब खान उन्हीं के साथ गए, जो कि अगेन आउट ऑफ फॉर्म है। शादाब खान किसी भी टीम का जो ऑलराउंडर होता है वो ब्रिज होता है बैटिंग और बॉलिंग के दरमियान, और वो एक बड़ा बैलेंस प्रोवाइड करता है। इंडिया से हार्दिक पांड्या वो बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, पाकिस्तान से शादाब खान वो बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अगर आप जो मेन पाकिस्तान के जो मेन स्टे हैं बैटिंग के अंदर और राउंड में और राउंडर में, एट द सेम टाइम पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के अंदर वो सब शैटर्ड हो गया। क्यों? क्योंकि फास्ट बॉलर्स आपके अनफिट हो गए, शादाब आउट ऑफ फॉर्म, फ़खर जमान आउट ऑफ फॉर्म। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना है। ऑन द अदर साइड इंडिया एक बहुत सेटल टीम हो गई, सो जीत ने इंडिया को जिस तरीके से मैंने कहा था कि डिफाइन करती है जीत और हार, हार ने पाकिस्तान को एक्सपोज किया, जीत ने इंडिया को सेटल किया। अब ये जो 2023 50 ओवर का वर्ल्ड कप आईसीसी का जो इंडिया में खेला जा रहा है उसके अंदर इंडिया हैज़ बिकम अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया, फिटनेस के ऊपर प्रॉब्लम आ गई है पाकिस्तान के पेस अटैक के साथ, एट द सेम टाइम पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर अनसेटल्ड लग रहा है। इस वक्त मीडिया के अंदर और डिफरेंट क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग के अंदर क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, पाकिस्तान किस तरीके से अपना राइट कॉम्बिनेशन बनाएगा, जहां पे दूसरी टीम्स इस वक्त अपने कॉम्बिनेशन से बिल्कुल सेटल हो चुकी हैं और एक मैचेस खेल रही हैं, जिस तरह इंग्लैंड ने खेला अभी न्यूजीलैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के साथ खेल रहा है, तमाम टीम्स बिल्कुल वेल सेटल्ड लग रही हैं और उनकी प्लानिंग बिल्कुल क्लियर है कि वो वर्ल्ड कप में किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। ऑन द अदर हैंड जो पाकिस्तान जो कि वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट करार दी जा रही थी और जो कि बहुत सेटल लग रही थी, अब उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आ गए उनके प्लेयर्स के आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से और प्लेयर्स के अनफिट होने की वजह से, और ये बड़ा एक सैड सिचुएशन है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के अंदर अगेन बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ हैं। जो क्रिकेट मैनेजमेंट की कमेटी है, ज़का अशरफ साहब जो देख रहे हैं, जिनका काम था कि वो इलेक्शंस करवाएंगे, वो क्रिकेट के डे टू डे अफेयर्स को इस वक्त रन कर रहे हैं, जो कि उनके मैंडेट के अंदर ही नहीं है। पाकिस्तान के प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का इस वक्त बहुत सीरियस इशू चल रहा है, पाकिस्तान के प्लेयर्स को अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिले, 3 महीने से पाकिस्तान के प्लेयर्स को सैलरीज और उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं दिए गए, उनको मैच फीस नहीं दी गई है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मैंडेट है उसका काम है कि वो इलेक्शन करवाए और नए बोर्ड को आके क्रिकेट के अफेयर्स चलाने दे। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का इशू आने वाला है, लेकिन इस बोर्ड के पास वो मैंडेट नहीं है। इंजमामुल हक चीफ सेलेक्टर हैं, आई एम श्योर इंजमाम अपनी जिस जो नॉलेज है क्रिकेट की वो पाकिस्तान के लिए बेहतर टीम सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो सैड पॉइंट है वहाँ यहाँ पे वो ये है, जो सबसे अफसोसनाक चीज़ है कि कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप से, चंद हफ्ते पहले वर्ल्ड कप से, पाकिस्तान टीम की श्योरिटी कि क्या बैटिंग लाइन होगी, क्या बॉलिंग अटैक होगा, क्या मिडल ऑर्डर में क्या और राउंडर्स होंगे, इस वक्त कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, और ये एक बहुत ही कंसर्निंग बात है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त बहुत ही बुरे हालात में है, इंक्लूडिंग द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इंक्लूडिंग द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इस वक्त जो ज़रूरत है वो ये है कि बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर भी इस वक्त सवाल उठाए जा रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि श्रीलंका से मैच हारने के बाद कुछ खबरें मीडिया में आईं कि प्लेयर्स में आपस में बदमजगी हुई, कुछ तख्त कलामी हुई आपस में प्लेयर्स के दरमियान। मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती कि अगर ड्रेसिंग रूम के अंदर ये चीज़ हुई है और प्लेयर्स ने आपस में एक ऑनेस्टली एक बात की और कैप्टन ने कुछ प्लेयर्स को अगर आइडेंटिफाई किया, क्योंकि वो सीनियर प्लेयर्स थे, एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, तो और उसके ऊपर उन्होंने अगर जवाब दिया है तो ये ड्रेसिंग रूम के अंदर ही बात रहनी चाहिए। सब पैशनेट हैं, जितने भी प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए जीतने के लिए खेलते हैं, और जाहिर है हार का हर एक को अफसोस होता है, लेकिन ये बात बाहर मीडिया में आना, मेरे ख्याल में इस वक्त ज़रूरत यह है कि उस शख्स को पकड़ा जाए, उन लोगों को पकड़ा जाए कि जिन्होंने ये बातें लीक की और उनको पाकिस्तान की क्रिकेट के करीब भी ना आने दिया जाए। आई एम श्योर के ये सब प्लेयर्स जो हैं दे वेरी मेच्योर, दे प्ले ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ऑब्वियसली उनकी ग्रूमिंग बेहतर होती है इस तरीके से, दे सेटल देयर मैटर्स, और यू नो जो ड्रेसिंग रूम की बात है वो ड्रेसिंग रूम के अंदर ही रहनी चाहिए। बाबर इज़ द कैप्टन एंड बाबर विल बी लीडिंग द पाकिस्तान टीम इन टू द वर्ल्ड कप, एंड आई एम श्योर द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो हैं वो बाबर को इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे, और पाकिस्तान जल्दी से कॉम्बिनेशन बना लेगा। इंजमाम उसके अंदर आई एम श्योर वो बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर इस वक्त काम कर रहे होंगे, एडवाइस ले रहे होंगे फ्रॉम द पीपल दैट ही ट्रस्ट, और एक अच्छी टीम अनाउंस करेंगे। इस वक्त बात ये चल रही है कि शायद सरफराज को इंडक्ट कर दिया जाए, हारिस मोहम्मद हारिस को ड्रॉप किया जाए,
एट द सेम टाइम हसन अली की बात चल रही है, पाकिस्तान मोहम्मद हसनैन की बात चल रही है, क्योंकि नसीम शाह इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। ये अगेन पाकिस्तान के मेडिकल स्टाफ की नेगलिजेंस है। इसके ऊपर कोई और मैं किसी और दिन वीडियो के ऊपर बात करूंगा, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट इज़ इन सीरियस कंसर्न्स, बहुत बुरे हालात में है और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में एवरीबडी इज़ लुकिंग एट इंज़माम टू टर्न द थिंग्स अराउंड एंड एट बाबर आजम टू लीड द टीम इन द वर्ल्ड कप, एंड वी कैन ओनली होप कि पाकिस्तान डू वेल। लेट्स सी, पाकिस्तान एक दो दिन के अंदर अपनी टीम अनाउंस करने लगा है। जैसी टीम अनाउंस होती है हम उसके ऊपर फिर आएंगे, बात करेंगे कि पाकिस्तान कैसी टीम अनाउंस की है, एंड आई एम श्योर इट विल बी अ गुड टीम। और जो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस हैं वो अपनी टीम को बेहतर करना देखना चाहते हैं, एंड आई एम श्योर कि वो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करेंगे। यू बीन ट्यून इन टू टिमी टॉक्स क्रिकेट।